Hello everyone, 5.7 chapter and Bhakti literature. जैसे कि मैंने पहले कहा था, भक्ति लिटरेचर हमारा मिडिवियल में आता है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर भी है, काफ़ी अच्छा होने वाला है. आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ये इतना पुराना नहीं है, तो इसमें काफ़ी मतलब सुने हुए नाम ही आपको मिलेंगे. ठीक है, जैसे तुलसीदास है ना, गुरु नानक देव जी है ना, ये सभी के बारे में आपने काफ़ी सुना भी होगा. ठीक है, तो आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, भक्ति लिटरेचर इन इंडिया, ये कैसे आया. ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट जो है, इसे कल्चरल रेवोल्यूशन की तरह देखा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ द मेडिवियल इंडिया. इट हैड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लिटरेरी वर्क्स दैट वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो इसे एक सिग्निफिकेंट तरीके से माना जाता है कि काफ़ी इसने रेवोल्यूशन ला दिया था, मतलब लोगों के दिमाग में ये शुरू हो गया था कि हाँ, भगवान के साथ कैसे एक भगवान को हमने पूजा करनी है ना, ये सभी चीज़ें, मतलब दोनों के बीच में बातें होनी, जैसे होता है ना भगवान से लगाव हो जाना, वैसी सिचुएशन आ गई थी. ठीक है, तो ये जो भक्ति जो फ़कीर्स थे, ये इतने मगन हो जाते थे भगवान के साथ, जैसे मतलब कि ये अपने भजन गाते थे तो ऐसा लगता था कि ये भगवान के साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन है. ओके, तो भक्ति लिटरेचर रिफ्लेक्ट अ न्यू फॉर्म ऑफ डिवोशन ऑफ गॉड, अ पर्सनल बॉन्ड बिटवीन डिवोटी एंड द डेटी. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि गॉड के साथ इतना लीन हो जाते थे भजन वगैरह में, जैसे मतलब वो इनके फ्रेंड्स ही हैं. ठीक है, एक बॉन्ड सा बन गया था इनके बीच में. ओके, तो अल्वर्ट्स एंड नयानार्स, ठीक है, ये दो थे, अल्वराज एंड नयानार्स. तो ये देखते हैं कि क्या थे. तो भक्ति लिटरेचर जो है वो शुरू होता है साउथ इंडिया में 6th century में, और जो कि तमिल पोएट सेंट्स ने इनकी जो है वो कलेक्शन जो है वो कंपोज्ड की. ओके, तो अल्वराज जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज होते हैं. ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, अल्वराज क्या होते हैं और नयानार्स क्या होते हैं, मतलब किसके डिवोटी होते हैं, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है. ओके, तो अल्वराज जो होते हैं वो लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज हैं, और इन्होंने वैष्णविज्म को स्प्रेड करना शुरू किया थ्रू देयर डिवोशन पोएट्री, मतलब जो भी कविताएँ ये लिखते थे अपनी भक्ति भाव में, उनको सप्रेड करने की कोशिश की इन्होंने, जो कि लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज थे. तो उन्हें क्या कहना है, अल्वर्ट्स, ठीक है, या फिर अल्वराज, जो भी आपको सही लगे आप बोल सकते हैं. दिस केम टू बी नोन एज द दिव्या प्रबंधा. ठीक है, इसके अंदर 12 अल्वराज थे, मतलब 12 ऐसे लोग थे जिन्होंने वैष्णविज्म को जो है वो सप्रेड किया. उनमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो है वो बुक्स लिखी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, तिरुवेमोली, ठीक है, तिरुवेमोली ये किसने लिखी, ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है प्रीवियस ईयर पेपर में. ठीक है, तिरुवेमोली किसने लिखी है, ये लिखी है नमलवार ने. ठीक है, तो ये आप नाम याद रख लीजिए, इन्होंने भी वैष्णविज्म जो है वो स्प्रेड किया, ठीक है, अपने डिवोशनल जो है वो पोट्री से. ओके, द ओनली फीमेल, एक ही फीमेल थी अल्वराज, उनका नाम था अंदल, इसको भी आपने नहीं भूलना अंदल के बारे में. ठीक है, हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इनकी जो कलेक्शन थी, ये जो थी एक ही स्त्री थी जो अंदल, उनकी जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी उनको क्या बोला गया है, तिरुपल्लवई. ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है. इन्जॉय ग्रेट पॉपुलैरिटी, मतलब इनकी पोएम्स को भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, और इवन इन द प्रेजेंट टाइम फॉर द टचिंग फर्वर एंड सिंप्लिसिटी. ओके, तो इनकी जो पोएम्स थी उनको भी काफ़ी पॉपुलरली बोला जाता था, क्योंकि इनकी पोएम्स में भी एक जोश था और एक सिंप्लिसिटी थी. ओके, तो अब नयानार्स के बारे में बात करते हैं, जो कि लॉर्ड शिवा के डिवोटीज थे, और इसमें 63 थे. तो हमने ऊपर देखा ना, अल्वराज में सिर्फ 12 थे है ना, उसमें से भी एक तिरुवेमोली जो है वो एक बुक जो भी लिखी गई कलेक्शन वगैरह, तो ये वाली इम्पॉर्टेंट है. और सेकंड नंबर पे वो फीमेल का नाम जो ओनली एक अल्वर्स थी, जो कि 12 में से एक थी अंदर, और उनकी जो कलेक्शन ऑफ पोएम थी वो थी तिरुपवई. ठीक है, तो ये हमने अल्वर्स के बारे में पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे नयानार्स के बारे में, जो कि लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे. इसमें 63 नयानार्स थे, ठीक है, और इनकी कलेक्शन डिवोशन पोएट्री को क्या बोलते हैं,
मुराई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नयन आर्ट्स की जो है कलेक्शन को क्या बोलते हैं, थिरुमुराई, ठीक है। और इसे तमिल का वेदा भी बोला जाता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना ऋग्वेदा यजुर्वेदा, इस पे भी हमने एक फोर वेदास पे भी हमने एक वीडियो बनाया था, है ना, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये तमिल वेदा बोला जाता है इनको, ठीक है, किसको, जो कि नयन आर्ट्स की कलेक्शन है, पॉटरी की कलेक्शन है जो थिरुमुराई, उसको, ठीक है। इसके 12 वॉल्यूम्स आए जिसके अंदर सॉन्ग्स, हाइम्स, रिटन इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड शिवा, ये सभी गीत और जो भजन मंत्र जो भी इन्होंने गाए वो लॉर्ड शिवा के ऊपर ही थे, क्योंकि ये शिवा के डिवोटी हैं तो शिवा के ही भजन वगैरह गाएंगे ना। ऑफ दीज द फर्स्ट 7 वॉल्यूम्स जो है उसे क्या बोला जाता है, थिवाराम, ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 10th century AD में कंपोज किया गया था। थिवाराम जो इन्जॉय जो भी ये है कलेक्शन ऑफ 7 वॉल्यूम्स, जो फर्स्ट 7 वॉल्यूम्स है, इसको भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, वाइड स्प्रेड हुए ये, इवन प्रेजेंट डे भी रिलीजियस टेक्स्ट के रूप में इसे पढ़ा जाता है और इसके जो भी हैं जो भी इसमें लिखी हुई चीज़ें उसको फॉलो किया जाता है, ओके। भक्ति मूवमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिवेलपमेंट ऑफ तेलुगु एंड कन्नड़, ठीक है। तो पहले तो पता होना चाहिए कन्नड़ कहाँ पे बोली जाती है, कर्नाटका में, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और भक्ति मूवमेंट आल्सो प्रोवाइडेड एज इम्पीटस टू द ग्रोथ ऑफ देयर ग्रोथ ऑफ अदर रीजनल लैंग्वेजेस सच एज द तेलुगु एंड द कन्नड़ इन द साउथ। तो इन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस को भी जो है बढ़ावा दिया, जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट के जो है टेक्स्ट लिखे गए तो रीजनल लैंग्वेजेस भी जो है वो उभर के सामने आई। उसके बाद महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड, जो महाभारत एपिक है वो उसको भी तेलुगु में कन्वर्ट किया गया, तेलुगु भाषा में, बाय ननाया, ठीक है, ननाया, ठीक है। तो ये नाम याद रखिए, कई बार पूछ लेते हैं तेलुगु में महाभारत किसने कन्वर्ट की थी, ट्रांसलेट की थी, ननाया ने 11th century AD में, ठीक है। और इसे ही तेलुगु की, मतलब तेलुगु लैंग्वेज की बिगनिंग बोला जाता है, कि जब से उसको एक वो मिला, पुश मिला कि तेलुगु भी काफ़ी जो है रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। द कीर्तन्स रिटन बाय द पोएट सेंट अनामाचार्य ऑन लॉर्ड विष्णु लेट टू इंक्रीज इन द पॉपुलैरिटी ऑफ तेलुगु। तो जो ये सेंट थे, एक संत थे अनामाचार्य, तो इन्होंने जब लॉर्ड विष्णु के ऊपर अपनी पोएम्स वगैरह लिखी, क्योंकि ये एक पोएट थे, तो तब से भी तेलुगु भाषा की पॉपुलैरिटी में इंक्रीज हुआ, ओके। वल्लभाचार्य का नाम आपने काफ़ी फ्रिक्वेंट सुना होगा, वल्लभाचार्य हैड एनरिच्ड द तेलुगु लिटरेचर। तो ये भी पूछ सकते हैं कि वल्लभाचार्य ने कौन से लिटरेचर को जो है वो एनरिच किया, तो वो तेलुगु है, ओके। और इनके जो वर्क्स थे वो कौन कौन से थे, भगवत टीका और सुबोधमी, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी थे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन कन्नड़, कन्नड़ में आपको क्या क्या मिलेगा, ट्रायो मीन्स तीन थे, ये तीन लोग थे जिन्होंने जो कन्नड़ लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा वर्क किया, डेवलपमेंट ऑफ कन्नड़ लिटरेचर को ज़्यादा जो है वो सामने लेके आए, कौन कौन थे, पंपा, पोना एंड राणा, ये तीन वर्ड आपको भूलने नहीं है, क्योंकि कन्नड़ लिटरेचर को इन्होंने ही पीक पर लेके गए, ओके। 12th century AD में वीराशिव्य रिलीजियस मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ, और जिन्होंने रिलीजियस मूवमेंट ने पॉपुलैरिटी पाई अंडर बासवेश्वरा, ठीक है। तो ये थोड़े से नाम हैं, आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो भक्ति मूवमेंट में तो आप जितने नाम याद कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं भक्ति मूवमेंट पे, ओके। ही एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ द सिंपल कन्नड़ा एज अ मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन, इन्होंने भी कन्नड़ भाषा में ही लिखना शुरू किया, अपनी इंस्ट्रक्शन कन्नड़ भाषा में ही दी, विच इंक्रीज एज अपील अमंग द कॉमन पीपल, क्योंकि कन्नड़ में बोलेंगे तो वो कॉमन पीपल से ज़्यादा अटैच हो पाएंगे ना, इसीलिए। हिज कंटेम्परेरीज लाइक अलामा प्रभु और अकामाहा देवी इन्वेंटेड अ न्यू टाइप ऑफ प्रोज कंपोजिशन कॉल्ड द वचनास। तो इनके ही जो कंटेम्परेरीज थे ये दोनों, अलामा प्रभु और अकामाहा देवी, तो इन्होंने भी एक मतलब कि मिक्स्ड वे में जो है न्यू कंपोजिशंस बनाई, उसको वचनास बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वचनास किसकी कंपोजिशन है, तो आपको ये दोनों नाम लर्न होने चाहिए। नोटेड फॉर देयर
directness, simplicity and poetry beauty, they played an important role in the enrichment of the Kannada literature. क्योंकि अभी हम तेलुगु और कन्नड़ की बात ही कर रहे थे, तो ये दोनों का लिटरेचर कैसे पीक तक गया, तो वो आपको बताना चाहिए. अब बात करते हैं भक्ति मूवमेंट्स कंट्रीब्यूशन इन नॉर्थ इंडिया. तो अभी हमने ऊपर साउथ इंडिया की बात की, अभी नॉर्थ इंडिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये साउथ इंडिया में शुरू हुआ था भक्ति मूवमेंट. याद रखना, पहली दो लाइनों में ही ये था, तो फिर तभी हमने साउथ इंडिया का पहले पढ़ा और फिर नॉर्थ इंडिया में आए हैं हम. ठीक है, भक्ति मूवमेंट जो है वो नॉर्थ इंडिया में पॉपुलराइज़ किया रामानंदा ने 12th century AD में, और ये जो है लेड टू द ग्रोथ ऑफ लिटरेरी वर्क्स इन द लैंग्वेजेस. क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, है ना, तो ये स्टेट्स जो पंजाब वगैरह हैं, तो वहाँ पर तो पंजाबी बोली जाएगी ना, तो नॉर्थ इंडिया में ये सभी लैंग्वेजेस में लिटरेरी वर्क्स जो हैं भक्ति मूवमेंट में सामने आए. तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं. रामचरितमानस और हनुमान चालीसा, ये जो है पॉपुलर वर्क्स है ऑफ तुलसीदास. तुलसीदास जी ने ये लिखी हैं दोनों. रामचरितमानस और हनुमान चालीसा पढ़ते भी होंगे, है ना. बाय चूजिंग टू राइट इन अवधि विच इज़ अ डायलैक्ट ऑफ हिंदी, तुलसीदास मेड द एपिक ऑफ रामायणा एंड अदर डिवोशनल लिटरेचर मोर असेसिबल टू द कॉमन मैन. इन्होंने ऐसे बनाने की कोशिश की ताकि सभी लोगों को ये समझ आ सके, सभी लोग इससे अटैच हो सके और सबको पता लग सके कि तब क्या हुआ था. ठीक है, तो उन्होंने अवधि भाषा में जो है वो लिखा. और कई बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ कि अवधि भाषा किसका डायलैक्ट है ना, हिंदी का, ये भी आपको पता होना चाहिए. अच्छा, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द ब्रेक ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द डिवोशनल लिटरेचर इन संस्कृत. ठीक है, और संस्कृत में भी कंपोजिशंस जो हैं वो बनाई. मैनी ऑफ द वर्सेज एंड फ्रेज यूज इन द वर्क्स ऑफ तुलसीदास हैज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉमन परलेंस इन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़. तो हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ कौन से हैं, तो अपना नॉर्थ इंडिया ही तो है हमारा, जिसमें जो हिंदी जो है वो ज़्यादा बोली जाती है ना. और कॉमन परलेंस मीन्स जो कॉमन लोग आम तौर पे लोग जो है बोलचाल करते हैं, है ना, उसी भाषाओं में जो है तुलसीदास जी ने अपनी जो है फ्रेजेस एंड वर्सेस जो है वो लिखी हैं. ओके, अच्छा, तो अब हम कबीर जी के बारे में बात करते हैं. तो हु इज़ रिवॉर्ड बाय द हिंदूज मुस्लिम्स एज वेल एज द सिक्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया. इन्होंने भी काफ़ी वर्नेकुलर लैंग्वेजेस में जो है अपनी जो है राइटिंग्स की. ही डिड नॉट अडेयर टू स्ट्रिक्ट रूल ऑफ ग्रामर विच वर प्रेलिवेंट ड्यूरिंग हिज टाइम्स. तो इन्होंने काफ़ी ग्रामर वगैरह का ध्यान में रखते हुए नहीं अपनी राइटिंग्स की, जो भी इनको अच्छा लगा वो इन्होंने बस लिख डाला. हिज वर्क्स जो है वो काफ़ी दो दो लाइनों की कंपोजिशंस होती थी और जिन्हें दोहा बोला जाता है. आपने सुने भी होंगे कबीर के दोहे काफ़ी फेमस हैं. जैसे आपने सुना होगा, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करते याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद, है ना. दुख में तो सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता. ऐसे काफ़ी दोहे इन्होंने काफ़ी अच्छे लिखे हैं और दो दो लाइनों की कंपोजिशंस होती थी और काफ़ी उसमें जो है वो लोड होता था, भार होता था कि इतनी बड़ी बात दो शब्दों में कर दी है इन्होंने, है ना. दे वर फुल ऑफ एवरी डे मेटामॉर्फ्स एंड स्माइलीज थ्रू विच ही प्रोपोगेटेड हिज फिलोसफी. तो ये हर रोज़ भी बोले जाने वाले ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते थे जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होती थी. इवन गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो कि होली बुक है ऑफ सिक्स की, है ना, जो सिखों की होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब जी, उसमें भी इनकी जो वर्सेज हैं वो लिखी गई हैं और कबीर जी का जिक्र उसमें आता है. तो मीराबाई के बाद में बात करते हैं. ये भी एक फेमस वूमेन सेंट थी, भक्ति मूवमेंट के टाइम की ही थी. इन्होंने काफ़ी लॉर्ड कृष्णा के प्रेज में काफ़ी सॉन्ग्स गाए और इनकी, जैसे कि आपने सुना भी होगा, काफ़ी रिच फैमिली से, रॉयल फैमिली से ये बिलोंग करती थी और इनकी शादी भी हुई थी, लेकिन बाद में ये अपना भक्ति भाव में जुड़ गई थी. ठीक है, लॉर्ड कृष्णा के बारे में ही सोचती रहती थी, उनके बारे में गाने गाती थी, है ना. तो ये सभी चीज़ें थी. तो इनके भजन्स भी काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, भजन्स गाती थी ये. मीराज भजन्स आर स्टिल कंसीडर्ड टू बी डिवोशनल वर्क ऑफ हाई लिटरेरी वैल्यू. इनके भजन आज भी गाए जाते हैं, काफ़ी अच्छे बोलते थे ये, काफ़ी अच्छी थी ये भी. ठीक है, हर वर्क इंक्लूड्स, मतलब अच्छी थी इन द सेंस, इनके बारे में पढ़ोगे ना आप तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने ये भक्ति भाव में लीन थे. आजकल के टाइम के नहीं है, सेल्फिशनेस तो भरी हुई है लोगों में, ऐसी बात नहीं है. तो ये सिर्फ भक्ति भाव में ही जुड़े रहते थे. ठीक है,
हर वर्क इंक्लूड्स ओवर 1300 सॉन्ग्स, इन्होंने मतलब 1300 सॉन्ग्स गाए जो कि पैशन, इरोटिज्म और कंप्लीट सरेंडर टू हर मास्टर लॉर्ड कृष्णा के बारे में ही ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद आता है सूरदास जी, जो कि ब्लाइंड पोएट थे। एक तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, कई बार पूछ सकते हैं कि इन जिसे फॉलोइंग में से दे देंगे मार्क द करेक्ट आंसर, है ना, ऐसे करके कुछ दे देंगे कि ब्लाइंड पोएट कौन थे इनमें से, तुलसीदास, सूरदास, है ना, ऐसे करके कुछ भी दे देंगे, चैतन्य या फिर, है ना, तो फिर उसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि जो सूरदास जी थे वो ब्लाइंड पोएट थे। ठीक है, इन्होंने भी जो है वो सॉन्ग्स गाए इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इन्होंने भी कृष्णा जी के ऊपर ही गाए थे। और इन्होंने टोटल कंपाइलेशन की थी, 1 लाख पोएम्स इन्होंने अराउंड गाई थी। ठीक है, ओनली अराउंड 8000 आज हमें देखने को मिलती हैं, बाकी जैसे कि मतलब नहीं है, इतना प्रिजर्व नहीं कर पाए, 8000 हमें आज भी इनकी देखने को मिलती हैं। हिज कंपोजिशन वर मेड इन द ब्रज भाषा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना ब्रज भाषा वाला मैं आपको बताती हूँ, KBC आ रहा है ना आजकल, तो उसमें भी ये पूछा गया था कि ब्रज भाषा जो है, इसके साथ एक और भी था, तो वो किसका डायलेक्ट है, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी सिंपल सिंपल भी बन जाते हैं कि ब्रज भाषा किसका डायलेक्ट है, तो हिंदी लैंग्वेज का, विच इवेंचुअली लेड टू द अटेनमेंट ऑफ द लिटरेरी लैंग्वेज स्टेटस। ओके, तो उसके बाद जय देवास गीता गोविंदा आते हैं, इन्होंने भी जो है लॉर्ड कृष्णा के ऊपर ये डिवोशनल वर्क किया। इट कंसिडर्ड टू बी मोस्ट संस्कृत लिरिकल वर्क ऑफ द भक्ति पीरियड, तो इन्होंने संस्कृत में लिखी अपनी जितनी भी राइटिंग्स हैं। और इनकी जो थीम होती थी लव बिटवीन द लॉर्ड कृष्णा एंड राधा, और जो फाउंडेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द बंगाली लिटरेचर, और बंगाली लिटरेचर जो है इन्होंने काफ़ी डिवेलपमेंट किया उसमें। ठीक है, हिज वर्क रिप्रेजेंट अ मिक्स ऑफ पैशन, डिवोशन एंड लिरिसिज्म। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है चैतन्य एंड चंदीदासा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि ये है चैतन्य कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये बंगाल से करते थे और वैष्णव जो है पोएट थे। ठीक है, इन्होंने प्रोड्यूस किया वैष्णव लिटरेचर, मेनली पोएट्री, एंड रिप्रेजेंट द मिक्स ऑफ इरोटिज्म एंड द स्पिरिचुअल फर्वर। ठीक है, इसमें भी स्पिरिचुअल जोश और मिक्स ऑफ इरोटिज्म देखने को मिलता था। शंकरा देवा एंड माधवा देवा दो प्रोमिनेंट जो है वैष्णव पोएट हुए हैं असम के। क्वेश्चन आ सकता है शंकरा देवा और माधवा देवा कहाँ से बिलोंग करते थे, तो असम से। कीर्तना घोषा इज एन एंथ्रोलॉजी, मीन्स कलेक्शन है ऑफ डिवोशनल सॉन्ग विच वॉज रिटन बाय देम, और जो मेन जो वर्क इंक्लूड किया गया है वो शंकरा देवाचार्य जी का किया गया है इन इसमें। ठीक है, इनकी कलेक्शन में मतलब कीर्तना घोषा की जो भी ये कीर्तना घोषा है जो कलेक्शन है उसमें शंकरा देवाचार्य की जो राइटिंग्स है वो देखने को मिलती है। भट्टा देवा जो है उन्होंने ट्रांसलेट किया भगवत गीता को किसमें, असामीज में। क्वेश्चन बन सकता है कि भगवत गीता को असामीज में किसने कन्वर्ट किया, भट्टा देवा ने। ओके, विच लेड टू द एनरिचमेंट ऑफ द असामीज प्रोज। ओके, द वर्क ऑफ नरसिम्हा मेहता और भालना एंड अको लेड टू द ग्रोथ ऑफ द गुजराती लिटरेचर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वैष्णव भक्ति। क्वेश्चन आ सकता है कि गुजराती लिटरेचर में कौन कौन से जो हैं वो राइटर्स हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए नरसिम्हा मेहता और बहलना और अकू तीन हुए हैं। ठीक है, तो नरसिम्हा मेहता इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द गुजराती पोएट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुजराती पोएट्री का जो फादर किसे माना गया है, नरसिम्हा मेहता को। उसके बाद बात करते हैं मराठी वर्क के बारे में, तो इसमें जनाना देवा जी आते हैं, उनके वर्क को सामने लिया जाता है। तो इन्होंने क्या क्या लिखा है, जनेश्वरी जिसको बोला गया वो क्या है, भवर्था दीपिका, तो ये है एक, और दूसरा है अमृतना नु भावा, तो ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा प्लीज़। आर रिवर्ड एट सेक्रेट बुक्स एंड द वर्क ऑफ द नामदेव एंड तुकाराम, ये दो आपको ध्यान रखने हैं, जो नहीं इंपॉर्टेंट प्लीज़ उसे तो आप एक बार रीड कर लीजिए, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसे आप लर्न कर लीजिए। नामदेव एंड तुकाराम वेरी इंपॉर्टेंट, हु डिफाइड द संस्कृत इलाइट टू द राइट डिवोशनल लिटरेचर इनटू मराठी, इन्होंने संस्कृत
की जो राइटिंग्स थी उसे मराठी में कन्वर्ट किया, जो कि बहुत पॉपुलर है प्रेजेंट टाइम में भी। पंजाबी लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, जो कि सूफी मूवमेंट के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी ऑफ द भक्ति मूवमेंट में भी काफ़ी जो है वो सामने आया। द वर्क ऑफ गुरु नानक देव जी हु बिलोंग टू द निर्गुना स्कूल ऑफ फिलोसफी इज हेल्ड इन हाई रिगार्ड बाय द सिक्स, मतलब आज भी इनको काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। और ये क्वेश्चन ये बन सकता है, गुरु नानक देव जी कौन से स्कूल से बिलोंग करते थे, मतलब कौन से स्कूल से थे ये, निर्गुना स्कूल ऑफ फिलोसफी से, ठीक है। हिज पोएट्री इज़ इनरिच इन क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों थी, मतलब काफ़ी नंबर्स में लिखे गए थे और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। हैज़ अ टच ऑफ द सेंटीमेंट, और गुरु अर्जुन देव जी थे उन्होंने जो है आदि ग्रंथ को कंपाइल किया था, जो कि होली बुक है, जैसे कि पहले बताया था ना कि कबीर जी का भी जो है आदि ग्रंथ में गुरु ग्रंथ साहिब में जो है वो जिक्र किया गया है, तो वो क्या थी, होली बुक ऑफ सिक्स थी, ठीक है। सुखमनी कंपोज्ड बाय गुरु अर्जुन देव जी, कंसीडर्ड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट मिस्टिक पोइट्स ऑफ द मिडिवियल टाइम्स, ओके। तो भक्ति लिटरेचर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द पॉपुलराइजेशन ऑफ द भक्ति कट, ये तो आपको समझ आ ही गई होगी क्योंकि काफ़ी पॉपुलर थे। हमने अभी सारा जो पढ़ा है ये सभी पॉपुलर हैं, तो आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। इट रिप्रेजेंटेड अ सिग्निफिकेंट ब्रेक फ्रॉम द अर्लियर डिवोशनल लिटरेचर विच वॉज फोकस्ड ऑन द राइट एंड रिचुअल्स एंड वॉज मोस्टली रिटन इन संस्कृत। तो जो पहले हमने आज से जो बहुत मतलब स्टार्टिंग से ही लगा लीजिए, जो भी हमने पढ़ा है लिटरेचर और जो भी स्क्रिप्चर्स है ना, ये सभी के बारे में पढ़े हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। जैसे वेदास वगैरह भी देखे हैं हमने, तो उसमें सभी राइट्स एंड रिचुअल्स के बारे में ही करते थे कि क्या क्या उन्होंने रिचुअल्स परफॉर्म किए, और ये वो सारी चीज़ें अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई थी, जैसे संस्कृत, प्राकृत, पाली है ना, ये सभी में लिखी हुई थी। और लेकिन बाद में जो है इसमें डीवियल टाइम में फिर ये जो रीजनल लैंग्वेज जो आज भी बोली जाती है ना, मराठी, पंजाबी, गुजराती है ना, ये हिंदी तो बहुत ही नॉर्थ में बोली जाती है, तो ये सारी लैंग्वेजेस भी सामने आने लगी। लेकिन जो पहले थे वो संस्कृत में ही लिखते थे है ना। तो अपार्ट फ्रॉम द कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस, भक्ति लिटरेचर आल्सो पॉपुलराइज स्पिरिचुअलिटी अमंग द कॉमन पीपल। तो भक्ति लिटरेचर ने कॉमन पीपल के बीच में एक बॉन्ड सा क्रिएट कर दिया था, इसीलिए वो पॉपुलर, भक्ति लिटरेचर जो है पॉपुलर हो गया था, ओके। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.8 नेशनलिस्ट लिटरेचर पढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस PDF का, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, और फिर आप मुझे बता दीजिए कि नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसी के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।